2023 में लोड शेडिंग की वजह से हाइब्रिड सिस्टम्स का काफ़ी ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और हाइब्रिड सिस्टम्स में बेसिक हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है वो 6 किलोवाट का होता है, जो किसी भी बड़े घर की भी ज़रूरत होती है, छोटे घर की भी ज़रूरत होती है। और 6 किलोवाट में अगर बेस्ट इन्वर्टर्स की बात करें तो IP65 इन्वर्टर्स का आजकल काफ़ी दौर दौरा है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि 6 किलोवाट में IP65 में कौन कौन से इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी क्या प्राइसेस हैं, उनकी क्या वारंटीज़ हैं, और आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में होगी। हाइब्रिड इन्वर्टर्स में पाकिस्तान में दो तरह के हाइब्रिड इन्वर्टर्स आ रहे हैं। एक तो जो है IP21 इन्वर्टर्स हैं, जो कि एक बजटेड इन्वर्टर्स हैं, सस्ते इन्वर्टर्स होते हैं। उनमें भी आजकल बहुत इन्वर्टर्स, अच्छे इन्वर्टर्स आ रहे हैं, लेकिन अगर आप टॉप नॉच में जाते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वर्टर लगाना चाहते हैं और 6 किलोवाट में या 5 किलोवाट की रेटिंग में कोई इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो उसमें IP65 ग्रेड के आजकल इन्वर्टर्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में कौन कौन से IP65 के इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं और उनकी क्या क्या प्राइसेस होती हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि IP65 होता क्या है। IP65 किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की वाटर ग्रेडिंग होती है या उसकी वेदर ग्रेडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, IP65 इन्वर्टर्स में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि IP65 वो इन्वर्टर्स हैं जो कि एयर रेजिस्टेंट होते हैं, विंड रेजिस्टेंट होते हैं। मतलब उसको ओपन एयर में भी आप लगा दें तो वो डस्ट रेजिस्टिव होते हैं, उसमें मिट्टी के ज़र्रात नहीं जाते, वो फैनलेस होते हैं, उसके अंदर कुछ भी मिट्टी के ज़र्रात जाने की जगह नहीं होती। कूलिंग की बात करें तो वो ज़्यादातर इन्वर्टर्स, IP65 के इन्वर्टर्स सेल्फ़ कूलिंग होती है, उनकी इंटरनल कूलिंग होती है, मतलब उनकी बैक साइड पे हीट सिंक्स लगे होते हैं। और अगर पानी की बात करें तो वो वेदर रेजिस्टेंट भी होते हैं, मतलब उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ जाए या कोई पानी उसके ऊपर हल्का फुल्का डल जाए तो कोई पानी से उनको नुकसान नहीं होता। हाँ, वाटर डिप हो जाए तो नुकसान ज़रूर होता है। वाटर डिप के अंदर IP66 होता है, वो IP66 में कोई भी इन्वर्टर नहीं है, IP65 है। मतलब उसके ऊपर पानी का स्प्लैश पड़ेगा तो इन्वर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केट में इस वक्त कौन कौन से IP65 इन्वर्टर्स हैं, और मार्केट में जो इस वक्त टॉप लेवल के जो अच्छे IP65 इन्वर्टर्स हैं वो 5 हैं। इनमें सबसे पहले आ जाता है नाइट्रॉक्स, उसके बाद आ जाता है सोलर मैक्स का ओनिक्स, उसके बाद आ जाता है क्राउन का एलिगो 6 मॉडल, उसके बाद आ जाता है फरोनस कंपनी का मैट्रिक्स, और उसके बाद आ जाता है सोलिस कंपनी का एक इन्वर्टर है जो कि जिसका भी ब्रांड नेम भी सोलिस ही है और उसके इन्वर्टर भी सोलिस ही हैं। ये 5 ऐसे ब्रांड्स हैं जो इस वक्त टॉप नॉच ब्रांड्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रॉक्स की। नाइट्रॉक्स IP65 इन्वर्टर्स जो लॉन्च हुए थे पाकिस्तान में, सबसे पहले जो इन्वर्टर लॉन्च हुआ था वो इन्वेरेक्स कंपनी ने नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर लॉन्च किया था। अपग्रेड होते होते इस वक्त 6 किलोवाट की रेटिंग में ये इन्वर्टर आ रहा है। इस पर 7.5 किलोवाट के पैनल लग सकते हैं, 2 चार्ज कंट्रोलर्स वाला ये इन्वर्टर है और डबल आउटपुट वाला है। मतलब इसमें एक आउटपुट हैवी लोड के लिए होती है और एक आउटपुट ऐसी होती है जो कि आप लाइट लोड के लिए लगा सकते हैं, जिसमें लाइटें पंखे चला सकते हैं। और इस इन्वर्टर की इस वक्त जो अगर रिटेल प्राइस की बात करें तो तकरीबन 4.5 लाख से लेके 5.5 लाख के दरमियान वेरी कर रही है। प्राइस में इतनी वेरिएशन इसलिए है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगने की वजह से बहुत ज़्यादा प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये मार्च 2023 में बना रहा हूँ, तो प्राइसेस जो भी होंगी वो मार्च 2023 की होंगी। इस वक्त 4.5 लाख से 5.5 लाख के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये मार्केट में अवेलेबल है। इस इन्वर्टर की वारंटी की बात करें तो 5 साल की वारंटी है। इन्वेरेक्स के सर्विस सेंटर्स पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में मौजूद हैं, लेकिन नाइट्रॉक्स के अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो कराची हेड ऑफिस में ही इन्वर्टर रिपेयर होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जिस सर्विस प्रोवाइडर से ये इन्वर्टर लगवा रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर अच्छा हो और आपको बैकअप सर्विसेज ज़रूर दे रहा हो। इसके बाद बात करते हैं सोलर मैक्स के ओनिक्स मॉडल की। IP65 इन्वर्टर्स के अंदर सोलर मैक्स वो सेकंड मोस्ट इस वक्त जो चलने वाला ब्रांड है वो ओनिक्स है। सोलर मैक्स ने नाइट्रॉक्स के थोड़ी देर के बाद अपना मॉडल लॉन्च किया, क्योंकि नाइट्रॉक्स तो पिछले 3 से 4 साल से मार्केट में अवेलेबल है। सोलर मैक्स का ओनिक्स वाला मॉडल लॉन्च हुए हुए तकरीबन 1.5 साल हुआ है। ये मॉडल PV9000 के नाम से भी मशहूर है और 6 किलोवाट का ओनिक्स के नाम से भी ये मशहूर है। ये इन्वर्टर काफ़ी बेहतर रहा है सोलर मैक्स की तमाम प्रोडक्ट्स में इस वक्त, IP65 की रेटिंग में या हाइब्रिड इन्वर्टर्स की रेटिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस भी इसी इन्वर्टर की है। इस इन्वर्टर की बेहतर खसूसियत ये है कि ये 9 किलोवाट सोलर सपोर्टेड है। बाकी तमाम IP65 इन्वर्टर्स 5 किलोवाट सपोर्ट होते हैं या 7.5 किलोवाट की PV को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये डुअल आउटपुट के साथ भी आता है। 9 किलोवाट की
पीवी सपोर्ट के साथ भी आता है, और सबसे अच्छी बात है कि इसकी वारंटी 6 साल है। बाकी तमाम इन्वर्टर्स की वारंटी 5 साल होती है, लेकिन सोलर मैक्स के ओनिक्स की 6 साल की वारंटी है। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस नाइट्रॉक्स से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जब से ये लॉन्च हुआ है हमेशा नाइट्रॉक्स से 20-25 हज़ार इसकी प्राइस ज़्यादा ही होती है, और आजकल भी इसकी प्राइस 4,80,000 से लेकर 5.5 लाख के दरमियान होती है, डिपेंडिंग अगेन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट। प्राइसेस थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो सकती हैं। अगेन मैं वही बात करूंगा, प्राइसेस मार्च 2023 की हैं, प्राइसेस अप एंड डाउन ज़रूर हो सकती हैं। ये इन्वर्टर 6 साल वारंटी के साथ आता है, जो कि इसको मुनफरद करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर इन्वर्टर्स। इसके बाद बात करते हैं क्राउन एलिगो 6 की। क्राउन ने काफ़ी लेट अपना IP65 मॉडल लॉन्च किया, लेकिन ये भी एक अच्छी स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं है। 2-3 रीजंस हैं, कंपनी ने इस इन्वर्टर की ज़्यादा मार्केटिंग भी नहीं की, स्टॉक अवेलेबिलिटी भी इसकी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रॉक्स या ओनिक्स। ये कम इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में, जो चीज़ कम इंपोर्ट होती है वो कम चलती है, लेकिन ये स्टेबल प्रोडक्ट है। पहले ये मॉडल सिंगल आउटपुट के साथ आता था, लेकिन जब से डबल आउटपुट के साथ ये IP65 मॉडल आया है तो इस इन्वर्टर ने बेहतर परफॉर्म किया है। ये भी 5 साल वारंटी के साथ आता है। इसकी प्राइस भी इस वक्त मार्केट में नाइट्रॉक्स और ओनिक्स से कम है। आपको ये इन्वर्टर 4.5 लाख तक मिल जाएगा रिटेल प्राइस में, या अगर आप हो सकता है आपका सर्विस प्रोवाइडर इससे भी थोड़ा बहुत आपको कम प्राइस पे दे दे, क्योंकि ये प्रोडक्ट रिलेटिवली सस्ती है, तो इसलिए काफ़ी लोग इसको भी लगाना चाहते हैं। ये भी फैनलेस है, इसकी भी हीट सिंक के साथ कूलिंग होती है। इसके बाद आ जाता है मार्केट में चौथा मोस्ट जो इस वक्त पॉपुलर इन्वर्टर है, वो मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स फ्रॉनस कंपनी का एक मॉडल है, जो कि IP65 में आया है। ये इन्वर्टर 5.2 किलोवाट में आता है, पहले ये 5 किलोवाट में आता था, फिर 5.2 किलोवाट में भी आ रहा है, और अब तो मेरे ख्याल से इसका एक 6 किलोवाट का मॉडल भी मार्केट में लॉन्च हो गया है। द बेस्ट थिंग ऑफ मैट्रिक्स इज के इसमें वो तमाम फीचर्स हैं जो कि ओनिक्स या नाइट्रॉक्स में आते हैं, लेकिन इसकी प्राइस कम होती है। मैट्रिक्स मॉडल की प्राइस इस वक्त मार्केट में अगर आप रिटेल में लेना चाहें तो 3.5 लाख तक भी अवेलेबल है। इसकी स्टॉक अवेलेबिलिटी भी बाय एज़ कम्पेयर टू द अदर इन्वर्टर ज़्यादा है, मार्केट में ये काफ़ी वाफर मकदार में मौजूद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको मकबूलियत इसलिए नहीं मिली क्योंकि नाइट्रॉक्स ने ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, बचा हुआ मार्केट शेयर ओनिक्स ने ले लिया, तो मैट्रिक्स को इस वक्त मार्केट में पेनिट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है। प्रोडक्ट रिलेटिवली स्टेबल है, हो चुकी हुई है, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट है, छोटे मोटे बग्स इसमें हैं, आपको वारंटी आफ्टर सेल्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसी वजह से ये थोड़ी सी लेस पॉपुलर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसके अंदर जो छोटे मोटे बग्स हैं वो भी बेहतर हो जाएंगे और ये इन्वर्टर बेहतर तरीके से बाकी इन्वर्टर्स के कंपैरिजन में परफॉर्म कर सकेगा। अभी तक इसका जो बेस्ट फीचर है वो इसकी प्राइस है, कि ये क्राउन नाइट्रॉक्स या सोलर मैक्स इन तमाम ब्रांड से सस्ता है। डबल आउटपुट में ये इन्वर्टर है, वो तमाम फीचर जो बाकी इन्वर्टर्स में वो इसमें भी है। सोलर पीवी सपोर्ट की बात करें तो वो थोड़ी सी कम है, 6,500 वाट की पीवी सपोर्ट है। अगर हम क्राउन के एलिगो 6 की बात करें तो उसकी भी 6,500 वाट की पीवी सपोर्ट है, लेकिन डबल आउटपुट इन चारों मॉडल्स में आती है। डबल आउटपुट भी है, डबल इनपुट मतलब 2 चार्ज कंट्रोलर्स इन तमाम मॉडल्स के अंदर हैं जो मैंने अभी तक आपको चारों मॉडल्स का बताया है। डबल आउटपुट इनपुट से मुराद है कि 2 MPPT सेपरेट होते हैं, सो दैट कि आप 2 तरह के पैनल्स भी इसमें लगा सकेंगे, नए और पुराने पैनल्स भी लगा सकेंगे, या छोटे और बड़े साइज़ के पैनल्स को भी आप लगा सकेंगे। इसके बाद आ जाती है सोलिस इन्वर्टर की बात। सोलिस इन सब ब्रांड से लेस पॉपुलर है, लेकिन सोलिस कंपनी की वारंटी और आफ्टर सेल्स बहुत अच्छी होती है, स्ट्रेट रिप्लेसमेंट मिलती है अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए। डबल आउटपुट के साथ ये इन्वर्टर आना शुरू हो गया है, इसकी एक आउटपुट के ऊपर आप अपना लाइट्स और फैंस का लोड डाल सकते हैं, दूसरी आउटपुट के ऊपर आप ऑन ग्रिड मोड के ऊपर अपने ACs को भी चला सकते हैं। लेकिन सोलिस इन्वर्टर जो 6 किलोवाट का सोलिस इन्वर्टर है, ये पहले तो 5 किलोवाट के साथ आता है, ये भी आजकल मार्केट में 6 किलोवाट की रेटिंग में आना शुरू हो गया है। इसके ऊपर सोलर पैनल्स आप 6,500 वाट के लगा सकते हैं। इसका सिंगल MPPT होता है, चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर एक ही होता है। अच्छा, इन तमाम इन्वर्टर्स जिनकी मैंने आपको बात की है, इन तमाम इन्वर्टर्स में से नाइट्रॉक्स और मैट्रिक्स ये 2 ऐसे इन्वर्टर्स हैं जिनके ऊपर आप बड़े पैनल के नहीं लगा सकते, मतलब इनमें 660 वाट के पैनल्स नहीं लगा सकते। क्राउन माइक्रो का जो इन्वर्टर है एलिगो 6, उस पर भी आप बड़े साइज़ के पैनल लगा सकते हैं, सोलर मैक्स का ओनिक्स उस पर भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा सोलिस इसके ऊपर आप बड़े साइज के पैनल नहीं लगा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।